बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज की एक ब्राड हुई है टिकटॉक के ऊपर, तारीख है जनाब 27 नवंबर 2023, और ये ब्राड हुई है कादियानी मुरब्बी तलत की ब्राड के ऊपर ये गुफ्तगू हुई है। और गुफ्तगू का मौजू तो कोई और था, लेकिन ये सारे कादियानी मरजई जो है ना वो मिल के इस मौजू को किसी और तरफ ले गए। इब्तदा के अंदर आप सुनेंगे कि गुफ्तगू कोई और शुरू हुई है। गुफ्तगू तो शुरू हुई थी कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वो जनाब अपने नाम मानने वालों को गालियां निकालता है और उनको कहता है कि इनकी माएँ कुत्तियों से बढ़ गई हैं और ये वलदुल हराम है, यानी हरामी हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी, और इसके ऊपर ये तलत मुरब्बी जो कि अपने आप को कहता है कि जनाब मैं पहले मुसलमान था, बाद में कादियानी हुआ हूँ, तो एक दोस्त ने सवाल कर दिया था कि तेरे फिर वालदैन जो हैं वो ये खंजीर और कुत्तियों से बढ़कर और वलदुल हराम हैं कि नहीं। इसके ऊपर फिर मैंने हवाला जात भी दिए, वो आप गुफ्तगू के अंदर देख लीजिएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही है तो जनाब चंद कादियानी आ गए। उनमें से एक कादियानी था सरकार नाम का। सरकार नाम का कादियानी आया, साथ ही आमिर नज़ीर भाई भी आ गए। आमिर नज़ीर भाई ने कहा कि तलत साहब, तुम्हारी ब्राडों के ऊपर, कादियानी ब्राडों के ऊपर अम्मी जान, सय्यदातुना आयशा सिद्दीका, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, सलामुल अलैहा, तो उनकी शान के अंदर गुस्ताखियाँ हो रही हैं, तोहीन हो रही है, तो इसको रोको। क्योंकि ये तलत मुरब्बी इन तमाम कादियानी मुरब्बियों का समझ ले बाप तसव्वुर किया जाता है। ये ओल्ड मैन है और काफ़ी कादियानी इसकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये आमिर नज़ीर साहब ने ये मुकदमा रखा कि तुम ये इसका दरवाज़ा बंद करो और ये तुम्हारी ब्राडों के ऊपर क्या हो रहा है। अब जनाब ये सरकार नाम का कादियानी मुरब्बी आया है। पहले थोड़ा सा मैं तारुफ करवा दूं, ये सरकार नाम का कादियानी मुरब्बी जो है ये असल में राफजी है। राफजियों ने, राफजी चूंकि हज़रत आयशा सिद्दीका को बुरा भला कहती हैं और उनको नहीं मानते और उनकी तोहीन करती हैं, लेकिन यही काम जब ये अपनी इमाम बारगाह के अंदर करते हैं तो उस टाइम इनको खुली इजाज़त होती है और कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने अब ये ड्रामा किया है कि जनाब कादियानियों की सपोर्ट लेकर के कादियानी प्लेटफार्म के ऊपर आके खुद को कादियानी शो करके ये तोहीन करते हैं। ये वही काम है जो कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की सपोर्ट लेके ये राफ्ती कर रहे हैं कि जिनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, सहाबा की तोहीन का, अम्मी जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की तोहीन का मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने अब चादर ओढ़ ली कि हम इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के स्टूडेंट हैं भाई, ताकि जो भी जिसने लानत मलामत करनी है वो इंजीनियर को करे, हमारा क्या जाना है, हम तो चूंकि स्टूडेंट हैं ना। तो सेम यही काम कादियानियों के प्लेटफार्म से शुरू हुआ है कि चंद राफ़ज़ी उन्होंने अपना तल्लक जाहिर किया कि हम कादियानी हैं, अहमदी हैं और जमात अहमदी से हमारा तल्लक। उन्होंने अब इनकी सपोर्ट लेके, यानी कादियानियों की सपोर्ट लेके तोहीन का एक दरवाज़ा सोशल मीडिया के ऊपर खोला है। तो ये जो सरकार नाम का कादियानी है जो बज़ाहिर अपने आप को कादियानी कहता है, लेकिन ये छुपा हुआ राफ़ज़ी है जो कि बनावटी कादियानी बना हुआ है। इसने पिछले दिनों एक ये तलत कादियानी मुरब्बी की ही ब्राड के ऊपर हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा की तोहीन की, और उसका मैंने हवाला भी दिया इस ब्राड के अंदर, अभी आप सुन लेंगे। ये हमारी ब्राड है खत्म बूथ टाइम्स के ऊपर 17 नवंबर 2023 को अपलोड हुई है, और उसका नाम हमने रखा था मिर्ज़ा कादियानी की बीवी नुसरत जहां बेगम की फुहाशी। इसके अंदर हमने सबूत भी दिया कि ये लोग किस तरीके से अम्मी जान आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा की तोहीन करती हैं। फिर ये जो 17 नवंबर से पहले जज्जा नाम का एक कादियानी है, वो भी राफ़ज़ी है और वो छुपा हुआ राफ़ज़ी है और कादियानी बना हुआ है। तो उस जज्जे कादियानी मुरब्बी ने, असल में उसका नाम लुकमान है, तो उसने अम्मी जान आयशा सिद्दीका की तोहीन की।
तो उसके ऊपर ये 17 नवंबर को फिर डिबेट हुई, फिर 17 नवंबर के बाद आज की डेट है 27, तो इस 17 से लेकर 27 के दरमियान ये मुसलसल हजरत आयशा सदीका की तोहीने करते रहे, मुख्तलिफ प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के इन्होंने तोहीन का एक बाजार गर्म किया और टिकटॉक के ऊपर बड़ी बड़ी बड़ाडे ये कर रहे हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अब हुआ ये कि जनाब जो ही ये बात शुरू हुई है तो एक और कादियानी मुरब्बी आ गया, नाम है उसका फेवरेट 49, फेवरेट 49 कादियानी, और ये आ गया और ये भी छुपा हुआ राफजी है जो कि कादियानियत के लिबादे के अंदर आजकल ये काम कर रहा है। इसने आके एक और टिकटा की ब्राड चल रही थी उस टाइम हजरत आयशा सदीका के खिलाफ, लाइव आके ऐसे कैमरा दिखा के कहने लगा ये देखो, ये देखो ब्राड चल रही है अम्मी आयशा के खिलाफ, इसके ऊपर जवाब दो ना जाके इनको। वो हमें कह रहे, हमें कह रहे, यानी एक कादियानी फेवरेट 49 जो कि छुपा हुआ राफजी है और बजाहिर वो जमात अहमदिया का कारिंदा है, वो कह रहा है ये ब्राड देखो और यहां पे बैठ के आयशा सदीका की तोहीन हो रही है, जाके जवाब दो। और वो जो ब्राड है वो भी कादियानियों की है, और वो जाहिर ये कर रहा था कि ये जनाब ब्राड है इनकी राफजियों की। हाँ जी, और मिस्टर परदेसी कह रहा जी मिस्टर परदेसी की ब्राड, और मिस्टर परदेसी कौन है, वो भी कादियानी है और राफजी है, ठीक है ना जी। तो ये आज की गुफ्तगु ही है हजरत अम्मी आयशा सदीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा की तोहीन के ऊपर और उसके ऊपर रद्द हमने किया और कर रहे हैं। तो मैं तो बहरहाल जज्बात से आरी हो के ब्राड छोड़ के आ गया कि यहाँ पे मुझसे तो सुनी नहीं जाती ये तोहीन अपनी अम्मी जान के बारे में। तो फिर आमिर नज़ीर भाई बैठे रहे कुछ देर, उन्होंने भी दिफा किया, लेकिन वो जब असलियत इन्होंने दिखानी शुरू की तो इनको ब्राड से नीचे इन लोगों ने उतार दिया। तो बहरहाल ये थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है, इसको आप समाप्त कीजिए और ब्राड कैसी लगी और आपकी क्या राय है आप कमेंट लाजमी करिएगा। मैं पाकिस्तानी इदारों को, कम अज़ कम पाकिस्तान की हद तक तो मैं इस आवाज़ को उठा सकता हूँ ना, पाकिस्तानी इदारों को मैं मुतनब्बे करता हूँ और आगाह करता हूँ और कि ये आप हजरात इसके ऊपर नोटिस लें, सख्ती से नोटिस लें, ये कौन लोग हैं, क्या हैं, और इनके ऊपर पर्चे दें, इनके ऊपर FIR कटे, इनके ऊपर मुकदमात दायर हों और इनको जेल के अंदर भेजें और जो भी सज़ा पाकिस्तान के अंदर है वो इनको दें। तो यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक अम्मी जान आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा के बारे में तूफान बदतमीजी बपा है और इन अनासर को जनाब कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। हमारे YouTube के चैनल ख़त्म वो टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। आइए जी वो सारी कार्रवाई और ये सारी ब्राड मुलाहजा कर लें, ये तल्लत मुरब्बी की ब्राड है। जी तल्लत साहब फिर क्या हो रहा है आजकल? मुफ्ती साहब आप फरमाए, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तल्ला साहब आपकी ब्राड बड़ी कम जो है ना दिखाई देती है। मुफ्ती साहब मस्कीन गरीब बंदे आम जे बंदे आ, साड़ी ब्राड इन्हें थोड़ी बहुत कदे चल गई कदे बंद हो गई कदी रुक गई। अच्छा बस ये है के बंदे ब्राड चलने नहीं देते आगे।
दिक्का स्टार्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी आमिर भाई भी आए थे चले गए हैं। नहीं नहीं आमिर भाई नहीं है, वो और कोई लिखा हुआ है, आमिर भाभी लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा वो फेक आईडी है। ठीक जी जी सही है, पहले मैंने भी समझा वही है। सही है सही है। तो तल्ला साहब आप भले मुझे बना दे एडमिन तो मैं फिर मैनेज कर लिया करूंगा। मैंने क्यों कटाना ने थो? अच्छा 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 नहीं कुछ नहीं नहीं कटाते तो अनु अच्छी तो आड़े नाल हैं जनाब तल्ला साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब राव नहीं साहब आए ने जनाब। की हाल है जनाब? सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब की हाल है जी? वालेकुम सलाम जनाब, आप सुनाओ खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ते होर कोई नवी ताजी राव साहब कोई सुनाओ ना फिर आज कुछ हजूर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़े नाल के तुसी आखदे हो मैं बड़ी स्टडी करदे मैं बड़ी स्टडी करना। थोड़ी आवाज समझ भी नहीं आ रही है। हां जी थोड़ी आवाज गूंज रही है समझ नहीं आ रही जनाब। अच्छा मलिक साहब मैं सवाल पूछना सी कि तुसी कहया कि मैं स्टडी करके ते एमडीएत इख्तियार कीती है उस तो पहले तुसी मुसलमान सो? मैं अहले सुन्नत जमात मुसलमान सा हुन एमडी मुसलमान। मिर्जा साहब दी तालीम दे मुताबिक फिर ते जहन्नमी होए दोवे अल्लाह ना करे ओ जहन्नम ते जल रहे हुण ते यार बंदे दा अपने अमाल हन अल्लाह जाने ओ जाने मैं हुण काम मेरे बाप अपन जंती हन। मेरी उम्मीद जरूर है कि जंती होंगे बाकी हर बंदे ने अमाल अल्लाह जाने हो जाना। नहीं नहीं मिर्जा साहब दे जेड़ी तालीम है तो उस दे हिसाब नाल ते मैं अर्ज कर दीती है कि अल्लाह जाने हो जाना। मैं नहीं पता मैं उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए रब तो बड़ा गफूर रहीम है बस इतना पता। ठीक है जनाब अच्छा अच्छा तलत साहब मेरी ये स्क्रीन जरा बड़ी कर दे शाह साहब आए हैं तो हम उनसे थोड़ा मुस्तफीद हो जाए। क्या सवाल पूछे फिर आपकी स्क्रीन? अच्छा राहुल साहब राहुल नईम साहब जी हजूर वो तलत साहब के वालिदैन जन्नत में है या जहन्नम में इसका तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर पता है कि अच्छा तल्ला साहब ये बताइएगा कि आपके वालदैन जो थे वो मिर्जा साहब को नहीं मानते थे? नहीं जी ना वो मुखालिफ थे ना वो मानते थे। उस टाइम तक ये इतना यानी आम अरूज नहीं हुई थी उनकी और उनकी गुफ्तगू उनकी बातें अहमदी भाइयों की तो उस टाइम तक ना वो यानी वो अहमदी नहीं थे लेकिन कोई मुखालफत वगैरह या ये वो नहीं थे। हाँ मतलब ये के गैर अहमदी थे ना मतलब ना मानने वाले मिर्जा साहब को गैर अहमदी थे गैर हाँ ये मिर्जा साहब को नहीं मानते थे। जी जी हाँ तो वो फिर मिर्जा साहब के बकौल तो वो फिर जनाब खंजीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई होंगी। देखिए कुछ लोग होते हैं उनकी हरकतें ऐसी होती हैं उन हरकतों की वजह से हुजूर ने फरमाया तो ये अपनी अपनी वो चीजें होती है। नहीं ये जो रूहानी खजान जिल्द 14 सफा 53 के ऊपर मिर्जा साहब ने फरमाया है कि दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। दुश्मन आप उधर देखे ना उधर क्या लफ्ज है दुश्मन दुश्मनी और चीज होती है ना मानना जो होता है वो और चीज होती है मुफ्ती साहब। अच्छा वो ना मानना अच्छा वो तो उसके बारे में शायद ये फरमाया है रूहानी खजान जिल्द 9 सफा 31 के ऊपर
कि हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज्यादा नहीं। तो उन्होंने तो इनकार नहीं किया कि उनकी नहीं होगी फतह, उन तक पैगाम नहीं आया ना उन्होंने उसकी मुखालफत की उनकी ना उनको माना नहीं, उन तक पैगाम नहीं आया था। आपके मिर्जा साहब आपके वालदैन कब कब फोत हुए, वालदैन कब फोत हुए जी? आपके वालदैन अम्मी अबू कब कब फोत हुए? वाले साहब को तो फोत हुए मेरे ख्याल में 34-35 साल हो गए। मतलब सन बता देना कोई यार, 90 में फोत, यानी 1990 में जी जी। तो अब 1974 के अंदर तो फैसला आ गया था असेंबली का, सारी दुनिया को पता चल गया था, तो आपके वालदैन तक वो खबर ही नहीं पहुंची? अब मेरे वालदैन वो जो थे वालिद, वो ज्यादातर मुल्क से बाहर रहे हैं, सऊदीया पहुंची भी हो तो ऐसे नहीं है इसको नहीं सुनाई, सऊदीया रहे हैं, ईरान रहे हैं, उन्होंने जिंदगी अपनी बाहर ही गुजारी ज्यादा। अच्छा मतलब ये कि ये जो मिर्जा साहब ने फिर फरमाया ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राव साहब ने जो पूछा है तो ये फिर ये कौन से लोग थे जिनको उन्होंने कहा जी ये वलदुर हराम बनने का? मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, दुश्मन तो नहीं, दुश्मन नहीं, ये नीचे वाली इबारत है कि जो मुझे नहीं मानता, जो हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज्यादा नहीं जी जी। तो क्या मतलब ये किन लोगों के बारे में है, कौन लोग हैं जो इनकी फतह के कायल नहीं थे? मुखालिफ, हाँ वो ना आपके वालदैन मुखालिफ ही हुए ना? नहीं नहीं मुखालिफ नहीं थे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तो अहमदी हुए ना, आप तो कह रहे हैं अहमदी भी नहीं थे, अहमदी भी नहीं थे, गलत। ये एक नई कैटेगरी आपने निकाल दी है। आप ऐसा करें, आप लिख के दे दें कि वो कौन थे, मुनासिब यही रहेगा। नहीं तल्ला साहब ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी उन्होंने उन्होंने मिर्जा साहब को माना नहीं, अहमदी हुए नहीं, लेकिन कभी उन्होंने उनकी मुखालफत नहीं की। मैंने नहीं सुना अपने वालदैनों से अहमदियत के बारे में एक अल्फाज भी, रब को हाजिर नाजर जान कर कहता हूँ, ना उनकी मुखालफत में और ना उनके हक में मैंने नहीं सुना। नहीं ये फिर एक तीसरी कैटेगरी हो गई है, इसके बारे में तो मिर्जा साहब ने कुछ भी नहीं लिखा। बना लें आपकी मर्जी, चौथी बना लें, पांचवी, तीसरी, ढाई, अढ़ाई, पौने तीन, आप बना लें आपकी मर्जी। अच्छा आप क्या समझते हैं हम लोग इन इबारतों का, हम लोग हैं कि नहीं, यानी मुफ्ती बशर शाह इन इबारतों का मिसाक है कि नहीं? मैंने ने ये बातें नहीं की हुई, हजूर ने क्यों ही है तो जो फरमाया ठीक फरमाया। नहीं बता देना कि, या तो बता दे कि ये मेरे बारे में है कि नहीं ये इबारतें। देखिए कुरान की तालीमात ये बताती है कि जो किसी नबी का इनकार करता है वो जन्मी हो जाता है। सही हो गया, तो आपके आपके वालदैन ने जब इनकार किया है तो वो जन्मी हुए कि ना हुए? मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने इनकार किया है तो बिल्कुल वो तरीका है, ये मैंने आप फर्श कर दिया है कि उन्होंने ना, मतलब आप मान गए हैं कि आपके वालदैन जहन्नमी हैं? वो मेरे वालदैन कोई आसमान से आई मखलूक है, वो भी इंसान है, अपने अमालों के सामने अल्लाह के आगे पेश होंगे, अल्लाह जाने वो जाने। अगर नदीर भाई की असल आईडी लगता है नीचे आ गई है, वो कह रहे हैं मैं बताता हूँ, ये आमिर भाई है। शेर दे एक ही बड़ा होता है, दो दो इकट्ठे अल्लाह खैर। नहीं नहीं कोई कोई बंदा नहीं खान लगा, कोई नहीं खान लगा तल्ला साहब, मैं सिर्फ इस गल वास्ते आया जमाते सन पे तो बई ये जड़िया दो कैटेगरिया ने यह तो समझ आ गई ने बी को सन जो मिर्जा साहब के मुखालफ सन, एक ने जो मिर्जा साहब न मन गए सन, तो जी तुम पे कैटेगरी दस दौ भी मेरे बजुर्ग जड़े ने मेरे वालदैन जड़े ने ना उन्होंने मुखालफ सन तो ना वो अहमदी होए, तो मुफ्ती साहब आते सन उन्होंने बारे तो कुछ भी नहीं फरमाया, मैं तां वास्ते आया। मुफ्ती साहब तुम्हें पता होना है, तुम सिर्फ मेरे ख्याल गल जेन चु निकल गई है, 24 मई में मिर्जा साहब ने फोत होने तो सिर्फ 2 दिन पहले अल बदर अखबार च एक बंद ने इंटरव्यू दिता से तो छपया से, तो उन्हें आख्या से बंदे ने बार बार उन्हें आख्या कि मिर्जा साहब जिन्हों बंद ने तुहाड़ी तकफीर की है उन्हों उत्ते तो तुम इल्जाम दो कि भाई उन्हें तुहाड़ी तकफीर कर दी है तो तुम अपने आप मुसलमान समझते हो, ले हाजा वह मुसलमान नहीं रहे, वह काफ़र हो गए जिन्हें तुम काफ़र करार दिता है, पर जिन्हें तुहाड़ी तकफीर नहीं की, मुल्क दे विच एडी वड्डी आबादी है जेडे तुहाड़ी तकफीर भी नहीं कर रहे ते खामोश ने,
ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਫੀਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਤਵਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਮੋਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਹਵਾਲਾ ਲਗਾਏ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਹਵਾਲਾ ਲਗਾਏ। ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਢੂੰਡਾਂ? ਉਹ ਲੋ ਜੀ, ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦੇ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੌਣ ਸਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕੌਣ ਸਾ ਸਫਾ ਬਤਾਇਆ। 24 मई 1908 ਮਰਨੇ ਸੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਉਨਕਾ ਅਖਬਾਰ ਛਪਾ ਹੈ ਨਾ, 24 मई 26 मई ਕੋ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ, 24 मई ਕੋ ਅਲ ਬਦਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, उसमें वो पूरा इंटरव्यू छपा है। असल में ना जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ इसी में है, वो पीछे जाऊंगा तो मसला बन जाएगा। एक मिनट मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट ये रसाइल आ गए, ये बदर अखबार आ गया, और मौलवी साहब आप एमडीएस पे पीएचडी कर ले, मुनासिब रहेगा। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ? ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਐਸ ਯੂਜੂਅਲ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੱਲਸ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੇਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੂੰ। ਬਤਾਓ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਹਬਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾਹ, 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 ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸੱਲੇ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਲੇ ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬਸਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਾਜ ਬਸਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੀਪੀ ਤੇ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੂ ਇਮਰਾਨ ਕੱਲੂ। ਆਪ ਆਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ, ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀਓ ਕੀ ਔਰਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਸਾ ਨੇ ਆਏ ਤੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਸਾ ਨੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਅਮਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਉਮਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਗਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਦੱਸੋ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੇ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਸੱਚੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਓ। ਬਰਹਾਲ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਨ ਰਹੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਯਾ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਲਾ ਦਿਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ, ਲਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਪਰੂਫ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਨੰਗੀ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਤੋ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਐਮਡੀ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਤਾ, ਅਗਰ ਉਸਕਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ
ठीक है, नॉर्मल है, तो कर नहीं सकता। मैं ये हलफ दे सकता हूँ कि नॉर्मल और एमडी ये काम नहीं कर सकता। अगर आपके अपने अपने उसमें सही अपनी भरी नबा मोहम्मद ने आख्या ना मियां मोहम्मद बख्श ने खारी का हुक्का दे रहे सारा कुछ मेरी खारी विच मैं पता है केड़ी ताजा है केड़ी बासी है केड़ी नवी है। तुसी कल कयामत वाले दिन अपने बारे पूछे जाओगे, मैं अपने बारे पूछा जावांगा, अकीदों के बारे में इकट्ठा पूछा जाएगा, अमालों के बारे में सिंगल पूछा जाएगा, ऐसा ना करे। हर बंदा सिर्फ अपने बारे ओदे ओदे अमाल दे बारे पूछा जाएगा, ना कि उनु दूजियां दे बारे पूछा जाएगा। वला ताजिर हाजिरतुम बिजान, ईमान के बारे में एक सवाल है और अमालों के बारे में दूसरा सवाल, दो बातें बात करेंगे सारे भाई प्लीज, एक बंदे की बात पूरी हो। एक मिनट दो मिनट दे दिए, मैंने चले जाना है जी। बोले मैंने सिर्फ जी जी मैं सिर्फ ये आपको कह रहा था कि अगर आपको कोई भी बंदा आके ये कहता है ना कि सरकार ने कालू ने जज्जे ने मीर सलीम ने किसी ने भी उमहातुल मोमिनीन की गुस्ताखी की है, कोई ये कह दे ना कि मुझे गाल दी है, आपने उसी टाइम मान जाना हाँ जी दी होगी। लेकिन जब कोई बंदा ये बात करे कि उमहातुल मोमिनीन की गुस्ताखी की है, आपने सर उससे वीडियो प्रूफ मांगना है, ठीक है। बाकी कोई बंदा करता है आपने ये नहीं कहना कि हाँ की है नहीं, उन्हें कहना सही है भाई प्रूफ दे दो, कोई भी गुस्ताखी की हो हम मान जाएंगे। लेकिन यह है कि मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रहा हूँ, किसी और बंदे को क्लियर नहीं कर रहा। जो मानता है मैंने गुस्ताखी की है वो मानता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ मैं अपने भाई अपने बड़े अपने बुजुर्ग तलत मलक साहब को कह रहा हूँ कि तलत मलक साहब आप मेरे बारे में ऐसा ख्याल ना रखना किसी के कहने पर। जज़ाकल्लाह, आप मौजूद नहीं थे, आप मौजूद नहीं थे, मैंने यही बात की जो आपने अभी मुझे बताई कि आमिर नजीर साहब को मैंने यही अर्ज की कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैंने तो उस पूरे एमडीओ के ऊपर हलफ दे दिया है कि ऐसा कोई एमडी जो होश आवाज में है उसको कोई नहीं कर सकता, मैं हलफ दे चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है आमिर नजीर साहब के पास या किसी और के पास, तो लेकर आए प्रूफ हमें बता। फिर वही कहानी बन गई है, कोई मुबशर साहब दे जायज औलाद थल्ले आ गई। दो मुबशर कैसे हो गए, ये कोई जली बुरूजी आ गए या क्या मसला? नहीं ये जिली बुरूजी ये अच्छा तलक साहब, ये तलक साहब या तो इसको ब्लॉक करें और म्यूट करें या मुझे इख्तियारा दे, मैं खुद कर दूंगा। आप नीचे चले गए थे फिर ऊपर आए, जब आप इनको इनको ब्लॉक करें म्यूट करें तलक साहब, इंसाफ करना ये है। ये नीचे कमेंट कर रहे हैं, इसको ब्लॉक करें म्यूट करें तलक साहब। तल्ला साहब जल्दी करें जल्दी, वो बहुत सच्ची सच्ची बातें लिख रहा है, जल्दी करें। तल्ला साहब फेक आईडी है ये, देखिए मसीह मौत साहब आ गए हैं। मेरे प्यारे भाई इतना तो टाइम दे देना, ब्लॉक कर दिया जी मैंने उसे। और दस अच्छा जी, अब बात ये है कि ब्लॉक तो आपने किया, म्यूट भी करें ना ताकि उनके कमेंट भी डिलीट हो जाए। जो ब्लॉक होता है वो भी नहीं, वो आते हैं उसके क्या नाम है, यही तो बात है। आप मुझे एडमिन बना दे तो मैं फिर खुद मैनेज कर लूंगा। तल्ला साहब जल्दी करें, उसने कासिम ननौतवी साहब की एक सच्ची बात लिखी हुई है, जल्दी करें। अच्छा एक 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 सच्ची बात मैंने भी लगाई है, आपको बहुत बुरा गुजरेगा, बहुत बुरा लगेगा भाई, बहुत बुरा लगेगा। अच्छा राहुल ने, राहुल ने भाई मुझे एक मिनट दे, अदब सीखो। अभी अभी मुझे एक मिनट दे रहे, फिर मैंने जाना है। ये तलत साहब मेरी और फेक आईडी आ गई, इसको भी ब्लॉक भी करें म्यूट भी करें। इनको अपने बाप का नहीं पता है, जो भी उनकी माँ के ऊपर चढ़ जाता है चढ़ जाता है, इनको अपने बाप का भी नहीं पता है, ये इसलिए फेक आईडिया बना बना के आ रहे हैं भाई। हाँ सरकार साहब बोले, आप बोले। अच्छा मुझे एक मिनट दे रहे सिर्फ,
गाली कोई नहीं बके, ये कोई भी गाली बके, कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जो पार्लियामेंट नहीं हो। कमेंट साफ कर दो, गलत साहब, कमेंट बंद कर दो। मुझे एक मिनट दे रहे, मैंने सिद्धू साहब से एक ये हवाला लगाया इस पर एक सवाल करने, ये आपके 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 मिर्जा महमूद साहब ने लिखा है कि अहमदिया जमात में मैंने देखा है कि जिस किसी का दिमाग खराब हो जाता है वो नबी और वली बन जाता है, तो क्या ये बात सही है सिद्धू साहब? इसी तरह मेरे स्क्रीन बड़ी कर ले जरा जी। तलत मलक साहब, नीचे जो बंदा गा ऊपर गालियां देके गया है, ये नीचे कमेंट्स में गाली लिख रहा है, आप मुझे मॉडरेटर बना दो। एक सेकंड सर, एक सेकंड, तलत साहब मेरी स्क्रीन बड़ी कर ले, पहले वाली बात खत्म होगी। तलत साहब मेनू इजाजत है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। आमिर नजीर भाई आप आना फिर चक्कर लगाना। जनाब ये जो सरकार साहब वाले बैठे थे अभी पता नहीं चले गए, इधर ही है, जरा इनकी करतूत सुन लीजिएगा, जरा मैं चलाने लगा। कह रहे थे सबूत पेश करें, तो तल्ला साहब अब आपने इंसाफ करना है और इनको ब्लॉक भी करना है और म्यूट भी करना है और इनसे बायकॉट का ऐलान भी करना है। ये लगाए ऑडियो लगाए लगाए जी सुने जी। जी अस्सलाम तल्ला साहब, क्या अखरियत है साहब भाई, क्या अखरियत है जनाब। लो जी तल्ला तमरदई नाल मेरी गुफ्तगु हुई है, ते गुफ्तगु जदों पहुंची ना एंड ते जरा देखिए अज तक करो कादियानी मुरब्बी दा अफजी आया है। ठीक है जी, ते साहिल कालू भी बैठा है। वीडियो ऑन कर दियो, वीडियो ऑन तल्ला साहब करा लो, वीडियो ऑन तल्ला साहब करा लो। फकत नाम वो पता नहीं कौन है, मुसलमान है या काफिर है, ये पिछे गल दी है। हुन इन्हें हुन देखया जे ए गुफ्तगू दा रुख किधर जांदा है। कौन तदीस ए तो गल भूल गई जी, आज तुसा अपनी बुलाई नु विच वार चले है, जा तुसा झूठे जा तुहाडी जमात झूठी है। दुआ ते एक चीज तल्ला साहब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, हरकत की इस तू पहले तल्लत साहब दी ब्रांड दे उते कुछ हो चुके है, वो सुनो जरा। इथे ही आवाज नहीं आ रही, खाजे दा गुआ डड्डू बनन दी कोशिश हो रही। बस ठीक हो गया, चुप करके सुनो फिर, लोकां नूं आ रही है। जी वो नदी तुसी बड़े तावले हुंदे हो जी, जी ना साहब बात करने जो तो बात एक जी जी बात करनी है करें जी करो। शादी जज्जे के होते हुए कोई गुफ्तगू नहीं होती है, इसको नीचे उतरवाएंगे बात सर। हमारी नगर में साहिल सब कुछ तमिया उतार के रख देनी है, इसको मुफ्ती साहब आप उससे बड़े गुस्सा है, मेनू समझ आ गई, मुफ्ती साहब तंबियां लान डे हैं, कौमे लूट वाली हरकत करन डे सन। गंद सुन लिया जे, क्या हुआ है आमिर साहब? चलो क्या हुआ है, ठीक हो गया। मैं तो ये कह रहा तुसी ना गल करया करो, तुसी अपना भी खत्म पे कर दियो नाल, जड़ा इमेज कमाड़ा मेरा भी खत्म हो गया, लेकिन रब की कसम मैंने कोई लफ्ज नहीं सुना, बता दे मुझे। चलो साहब मैं सुनया मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं तंबियां ला लेनी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਖਤੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ,
ठीक है ओदे बदले च मैं लिया नाम अम्मी आयशा दा नाल अम्मी दा लफ्ज़ यूज़ कीता है कि मेरी मां ने ओ साडे कोल है ने ते मैं इत्थे भी आना कि साडी मां ने ओ साडे कोल है ने इहदे च गाल मैं किथे कड्डी है जी लो जी तल्ला साहब हुण तां यकीन आ गया मां साडे कोल है वे जेड़ा लफ्ज़ गल कर रहा वा जेड़ा लफ्ज़ तुसी नुसरत जहां बेगम नु आखो दे ओहो ही है अम्मी आयशा सदीका रजी अल्लाह ना 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 गाल विखा गाल विखा कि गुस्ताखियां वेख तू रोया सै रोने तेरे निकले ने रोने तेरे निकले ने तेरे तेरे सारे लगते रोन डे सन तेरे को रोन डे पिया राती तू रोन डिया सै सानू इस चीज ना कोई फर्क नहीं पैंदा जिहड़े तू काम करना वे इत्थे बकवास करन लगा ओ मेरी गल सुन गा पानी आ ना पहलू अहमद अहमद रजा खान पलेरवी दी जा के पा पा गुस्ताखियां लिखियां ने जेड़ा उमर शेर लिखे ने साडी मां बारे कोई जवाब ना दे कड़ला मुझे दे दे यार प्लीज आपको पहले दिया है हलफ फिर हलफ दे देता हूँ सवाल ही नहीं पैदा ऐसा हो नहीं सकता मैंने इजाजत दे दो अल्लाह का नाम मेरे तो गला भी खराब है खुदा का नाम लगे क्या कहा है उन्होंने मैंने तो नहीं सुना मुझे पता मैंने आख्या जेड़े लफ्ज तुसी नुसरत जहां बेगम नु आखो दे असी उम्मुल मोमिनीन नु आखां दे अभी एक मिनट ना जी ते तलसा गाली ते फिर इन्हां ने कड़ी है ना उन्हें तो ना कड़ी नहीं एक मिनट मेरे भाई मेरे प्यारे भाइयों किसी ने ये कहा है कि वो उन्हें ये गाली देंगे तो हम भी देंगे मैंने नहीं बोला ये झूठ बोल रहे हैं वीडियो सुनाई है उसमें साफ क्लियर अल्फाज जो हैं वो मैं बता देता हूँ क्लियर अल्फाज कर देता हूँ क्योंकि नीचे आवाज नहीं गई हमारी माँ से मुकद्दस है जी मैं नीचे आवाज नहीं जा रही नीचे आवाज नहीं जा रही मैं क्लियर करके बोल देता हूँ सारे माइक म्यूट करें मैं दोबारा बोलता हूँ ताकि क्लियर आवाज नीचे चली जाए मैं नुसरत जहाँ बेगम की तबीयत तो ये कहने लगे कि सुन लिया जे मुफ्ती साहब आप तो माशाल्लाह इतने बड़े आलम हो ठीक हो गया चले मैंने गाली निकाली थी ना तो उसी चीज को इन्होंने अम्मी आयशा के ऊपर डाल दिया आप अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह साहब ये गुस्ताख लोग गंदे लोग माइक म्यूट करे मुफ्ती साहब जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं क्या गंदा बंदा ये अल्फाज सूट करते हैं हाँ जी मैंने बिल्कुल सूट करते हैं इससे पहले जज्जे ने हजरत आयशा सदीका की तोहीन की थी किसी ने नहीं की किसी ने नहीं की दोबारा माइक म्यूट सुन ले या तेरा जरा तू सुना थले बात नहीं जाती मलक साहब इनसे जान छुड़ा ली खबीस लोग हैं इनको नीचे उतार दे खुलो नजीर साहब सुन लो और रात दे रोने सुन लो इन्हां दे रात दे रोंदे मलक साहब इन खबीस आदमियों को नीचे उतार दे गुस्ताख है ये मलक साहब इनकी ना सुने ये गुस्ताख लोग हैं इनको नीचे उतार दें
हैं, ये गंदे लोग हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये अहमदिया के दुश्मन हैं, ये आप में और अहमदियों में फूट डलवाना चाह रहे हैं, ये शैतान लोग। अल्लाह माफी दे दे, अल्लाह माफी दे दे ना। ये नहीं आप सादे, इतने सादे मलक साहब ना बने, बहुत गंदे लोग हैं ये, आप इनको, आपको समझ नहीं आ रही है, ये बदतरीन मखलूक है जमीन पर। आप इनके मुंह ना लगे, ये शैतान लोग हैं। आकर नज़ीर साहब चुप करो चुप करो चुप करो, आप ही तोड़ जाएंगे, आप ही तोड़ जाएंगे, रो रहा के तोड़ जाएंगे, तू चुप करो। नहीं नहीं मैं मलक साहब से ये देख रहे हैं, ये ऑडियो सुन नहीं दे रहे, ये जो ऑडियो लगाई है इसमें एक लफ्ज नहीं समझ में आ रही है, क्या हो रहा है ऑडियो? वही तो मैं बता रहा हूँ तलत साहब, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं लफ्ज बता देता हूँ, मैं लफ्ज बता देता हूँ जो मैंने बोले। हमारी वो माँ है, वो आपकी माँ नहीं है, वो हमारी माँ है, वो हमारी माँ है, वो हमारी माँ है, वो आपकी माँ नहीं है। बंद करो, आप खबीस लोग हैं, वो आपकी माँ नहीं है, वो हमारी माँ है। अच्छा अच्छा, वो हमारी उम्मतुल मोमिनीन है, वो आपकी नहीं है। अगर आपकी होती तो उनकी गुस्ताखियाँ करने वाले को आप मुसलमान ना कहते, आप उनको जफियाँ पाते हैं जो उनकी गुस्ताखियाँ करते हैं। आप उसके हकदार नहीं है, वो हमारी माँ नहीं, हमारी माँ है। हवाले 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 लेकर अपनी बराडों पे जाओ, वहाँ पे जाकर लगाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मलक साहब आपसे दरख्वास्त है, यहाँ पे दिखाने आए थे कि मैंने गाली निकाली है, वो तुम गाली साबित नहीं कर सके, इसलिए तुम अपनी, वरना उम्मुल मोमिनीन तक बुला। चलो उम्मुल मोमिनीन का मैं हवाला लाना वा, हवाला लाना वा, मैं तो हवाला लाना वा। तलत साहब यार इन्हें थले लाओ, जेड़े हाजी अमर नज़ीर साहब ने सुबह दी अपनी लाइव ते की कर रहे ने, सारा गंद सुबह दा इथे आके हाजी बन गए ने, ये हाजी बने रोंडे ने, इन्हां दे रोइन रात सारी रोंदे रहे नी। तलत साहब ये रोंदे रहे नी, बिलकुल हर अहमदी का यही जवाब है, आप ही लान तान करके सानू कह दें जी ऐसा क्या कार आप ही लेंदे मेरी मां दे बदले मैं उम्मुल मोमिनीन भी मेरे को है, मैं उन्हूं वो गाल कढांगा। मैं कोई गाल ना कढ़ी, ना मैं गल कही कि मैं गाल कढांगा, मैं ये गल कीती इन्हें नुसरत जहां बेगम दा नाम लिया, मैं नाम दे बदले अम्मी आयशा बोलिया, नाल मां बोलिया, तुसी उन्हूं गाल बना के पेश कर रहे हो, इन्नी गैरत नहीं खांदी कि तुसी एक पासे उन्हूं मां दियो ते एक पासे आंदे हो मैं उन्हूं गाला कढ रहा, ओ गैरत खाओ, अपनी मां नूं आपे ही पेश करन दे, मां है साडी, ओ रिस्त ना करो, ओ मुखालफत नूं मुखालफत रखो, अपनी मां नूं आप गला कढ़न दे, किसे ने गाल लाया तुसी गला कढ़ान दे, ओ अपनी मां है समझ जाओ, ओ समझ जाओ। तलत साहब जे ते उथे फुलां दीआं चादरां चढ़ाण दे सन ते किसे अहमदी ने जाके कढ़ियां ने, ते पहले ते गल उहने कढ़ी नहीं, मां ने साडा सिद्धा जिहा फतवा जिहने कढ़ियां ने उहने आप ही उलटाणियां ने, जिहने किसे नूं काफर किहा ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਗਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। बहरहाल तल्ला साहब मैं गल करना चाहवांगा कि अगर मिसाल तौर पे एक मिनट मुझे दे दे, देखिए सारे शोर मचाने का कोई फायदा नहीं, आपने ऑडियो मुफ्ती साहब लगाई है, अल्लाह उल्ला अल्लाह गुल्ला गुल्ला मचाओ, कोई एक लफ्ज भी नहीं आया, आप अपने तई ढोल मचा रहे हो, गाली दे दी। मैंने आपको हलफ दिया है कि कोई अहमदी जो होश आवाज में है, दिमाग ठीक है, सोच भी नहीं सकता, देना तो बहुत दूर की बात, अगर आपके साथ प्रूफ है मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप जिसकी समझ में आए सुने, प्लीज प्लीज ओ प्लीज ऑडियो लगा के और शोर मचा रहे, ओ गुस्सा की होगी, ओ गुस्सा, वो भाई कहाँ ऑडियो में हो ये तो बताना है ना आपने, गाल दो तीन सेकंड सुनाई भी देते है ना गाली,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਚ ਮੈਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਲਗਾਏ ਆਡੀਓ ਲਗਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਆਪ ਆਡੀਓ ਲਗਾਏ ਚਲੇ ਅਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੀਏਗਾ ਸਾਰੇ हमारे पास भी है मी आयशा फिक्र ना कर लड़ाई न सुन लिया जे हमारे पास क्या है ये ले दोबारा सुन ले शादी जज्जे के होते हुए कोई गुफ्तगू नहीं होती है इसको नजर करवाएं या बात सर हमारी नजर में साहिल साहब का सब कुछ तमिया उतार के रख देनी है इसको गुस्सा है ये जज्जा मुफ्ती साहब आप उससे बड़े गुस्सा हमारे पास हमारे पास भी है मी आयशा फिक्र ना करें लड़ाई ना करें प्लीज अपनी आवाज ही वेच साहब की बराड़ ते ही होया आमिर भाई सब कुछ जानते जे मुझे बात करने दे एक मिनट देखिये मुझे नहीं पता वो खुद यहाँ मौजूद है जो इंसान खुद वजात देता है वही बात मानी जाती है वो अपनी वजात देंगे ऐसा तो नहीं हो सकता चुप करना चुप कर एक मिनट गल कर गल कर चुप कराओ की हो गया इन्हू इन चुप कराओ जन्नत लैनी है इथे ही लवो ना पाकिस्तान हो जरूरत करनी तो इथे ही कर लेना इटली च बैग मलिक साहब मैं सारा मामला सुनिया है ते जिहड़ी मुफ्ती साहब या अमर नजीर साहब गल कर रहे ने ते ए ठीक है कि इन्हां नूं एडी आसान गल भी अगर तुहीन लगी है ते मेरी जरा स्क्रीन वड्डी करो ते मैं भी इन्हां नूं थोड़ा जिहा कुछ दिखाना चाहना ताकि सही जगह ते जाके सही पैरा दे ते सही हुरमत दे उत्ते अपनी शहीद होण तुसीं इहनूं ऑन करो आखो जिहड़ी गल साडी मिर्ज़ाइयां दी मां नूं कुट्टी जाएगी असीं मोमनां दी मां नूं कड्डांगे तुसीं आखो नहीं ऐ तुहाडी इटली इटली छड्ड के पाकिस्तान जाओ असीं तुहानूं एड्रेस दिंदे आ हेलो परदेसी बाबू की लाइव 512 है ए हुण लगी हुई लाइव इत्थे पहुंचो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी हुरमत ते पैरा दे चल के चलो रल के चलने आज मैं कहना मुफ्ती साहब ते अमर साहब आओ मिल के चलने चलो आओ आओ चलिए आई डी नोट कर लो लो मैं तुम आई डी मेंशन कर देना असल तो बकवास नहीं करना चलने पैरा दी चल के
उम्मत अमर नजीर दी नजीर दी उम्मत पई जे अमर नजीर दी गैरत अमर नजीर दी उम्मत पई जे पई जे अमर नजीर अमर नजीर दी उम्मत अमर नजीर दी गैरत पई जे सामने पई जे अमर नजीर की गैरत अमर नजीर की उम्मत पई जे मुसलमान असी मुसलमान जमाज नहीं ते इन्हां दे नाल ही रगड़े जाओगे गैरत जगा गैरत जगा ओ पई है तेरी उम्मत जड़ी आना मेरी उम्मत मेरे भरा मेरे शिया भरा मेरे शिया भरा मुसलमान शिया भरा उठता गैरत खा गैरत खा किथे गैरत हुण तेरी गैरत किथे गई है अम्मी आयशा दा नाम लैण नाल तैनूं गाल लगदी है उधर जा गाल कढ़ांगे लिखन वाले का कतल कर जिन्हें वार्ता लिखिया नी वार्ता ला नहीं सकता वार्ता ला नहीं सकता खलीफा सी जेड़ा ओने पंजा सत्ता दी इज्जत लुटी सी ते उत्थे दा नुतफा ते उत्थे नुतफा आया गंदा उम्मुल मोमिनीन नूं बकवास सारे नूं थल्ले लाओ मोदल साहब बदतमीजी कर रहे थल्ले लाओ हाल ज्यादा नहीं आमिर साहब देखे आप अगर इनको देखे मेरी बात सुन ले सारे असी तो सिर्फ असी तो सिर्फ अम्मी आयशा क्या है वो गाला दे रहा नंगिया शर्म वहाई है ना शर्म वहाई उथे पहुंच जा जिथे शर्म करनी है पहुंच मुफ्ती दे आला हजरत ने लिखिया शेर इथे लानत आला हजरत ते आ वाली लानत लानत आला हजरत ते पा जिन्हें शेर लिखे ने पा दे ते लानत खामोश हो जाए ओदे ते लानत पा जिन्हें शेर लिखे ने लानत ग्रुप साहब खामोश हो जाए प्लीज खामोश हो जाए क्या आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ यार दो नंबर खलीफा को नुतफा ले के आईया ने तलत साहब ना हमने ना आपने किसी अहमदी के मुंह से गाली सुनी है गालियां इन्होंने दी हैं सारा अभी भी ये गालियां ही दे रहा है ये अभी भी गालियां ही दे रहा है इसने दो मिनट बाद कहना मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ अच्छा देखे गालियां बकना बुरी बात है एक बात लेकिन आप उन्हें बुरा भला कह रहे हैं अगर उन्होंने कहना है तो वो आपको कहें हमारे दीन को हमारे उलमाओं को मत छेड़े बीच में हमारी मजबूरी ये है आमिर साहब के आपके उलमा हमारे उलमा है अगर ये गालियां इस तरीके से आप ईसाइयों को बके तो वो क्या करेंगे आपके साथ खुदा के लिए अपने दीन का मजाक ना बनवाए अल्लाह ताला का हुक्म है किसी के झूठे खुदा को उसके बुरा भला मत कहो वो तुम्हारे सच्चे खुदा को कहेगा पता नहीं ये हम लोगों का अपना दीन आ गया है ये अल्लाह का दीन कौन सा है मेरी समझ से बात बुरी बात है पहली बात है किसी को गाली देनी ही नहीं चाहिए लेकिन आप एक दूसरे को ऊपर नीचे बुरा भला कह रहे हो लेकिन किसी के दीन में जाने की क्या जरूरत है हमें साहब हम हर चीज बर्दाश्त कर मुझे गाली दे देंगे मैं बर्दाश्त जरूर करूंगा लेकिन मेरे उलमाओं को गालियां बकेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरा उसके ऊपर मैं यही रिएक्शन करूंगा जिधर आप होंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा और अपने पास आपको नहीं आने दूंगा जी तलत साहब मैं वजाहत कर दूं जिसको ये गाली लेके बैठे हुए हैं वहां पे इन्होंने नुसरत जहां बेगम साहब का नाम लिया था कि हमारे पास नुसरत जहां बेगम है मैंने कहा हमारे पास अम्मी आयशा है ये बात मैंने की है ये उस ऑडियो में आई है ठीक है
मैंने सिर्फ नाम लिया, कोई गाली नहीं दी। देखे, नाम देखे, लेने से देखे, अगर तो देखे, जी, देखे जी, भाई, तलत देखे, जी तलत देखे, भाई भाई जी तलत भाई मलक साहब एक मिनट उनको बात कर लेने दे। तलत साहब एक मिनट, अगर आपने ये कहा है ना कि हमारे पास मलक साहब जी 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 नीचे दोस्त मुझसे उस लाइव का एड्रेस पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं उन्हें, ये जी परदेसी बाबू 512 है इसका यूजर नेम, PERDESIBABUS512 ये आप लिखे तो ये सीधा आप उस लाइव में चल जाएंगे। वैसे मिस्टर परदेसिया दरमियान में लाइन बना हुआ है। परदेसी बाबू 512, मैं दोबारा स्पेलिंग बोल देता हूँ, PER, ये छोटे हैं सारे इंग्लिश के छोटे अल्फाज हैं, PERDESIBABUS अगर वो कादियानिया दी होवे ते जे अगर ताडे फरोइयां इख्तलाफी पाइयां दी होवे ते फिर ताडे ते हाँ बिल्कुल, ये सारों को पता ही है, वो वही पैदावार है सारा, ये गांव सारा पैदा ही उस टाइम हुआ है। चलो मलक भाई मैं एक भारत लाना मुनु मेरे भरा ये दस दियो कि ऐ जेडी इबारत है ऐ भी कादियानिया ने लिखी है, ऐ इबारत जेडीयां लिखियां गईयां ने ऐ भी कादियानिया ने लिखियां ने। इबारत लिखी हुई है ना, कह दे के वो भी गुस्ताखे गुस्ताखे उम्मतुल मोमिनीन ना कह दे, या बात कह दे। सरकार एक मिनट मलक साहब, तुम पैरों के भार पा के इस लाइव से जाके इन्हों का नहीं सिर्फ कह के मैंने विखा दो, फिर उतो बच बचा के सलामत मैं आके विखा जनाब। यह तू पता है, यह तू जजीदी कहते हैं, यह मलक साहब तू जजीदी कहते हैं इमाम हुसैन के कातल हजरत इमाम हुसैन के। और नहीं नहीं, ये सबको पता है, ये सब बिल्कुल पता है सारे। सिर्फ ना अपनी जान बचाने हम कादियानिया का कार्ड खेड दिया करो हर पास पाकिस्तान जाके ना किसी मदरसे के सामने जाके गल करे। सर मैं तलत मलक साहब फेवरेट 49 साहब मलक कैसर साहब यकीन मनो के इस ना भैड़े अल्फाज मिंबरा ते खलोते अमामा दे को जड़े जाकर ने ना उन्हां कोलों सुने ने इस ना भैड़े अल्फाज। ठीक है, अगर तुसी कुछ कर सकदे हुंदे ना, अगर तुसी कर सकदे हुंदे ना, मैं वीडियो लाना वा, मैं पिंड दा नां दसना वा, मैं जाकर दा नां दसना वा, अगर हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है जे अमर नजीर चे या मलक कैसर साहब चे, उस जाकर नूं उंगल लाके विखा दिओ। उनको मेरे भाई, उनको पैसे पे करते हैं मरदई। हां जी बस ठीक है जी सर, आ जाओ साडे ते पा दिओ मरदई पैसे। सर एक मिनट, मुफ्ती साहब जवाब ने, एक मिनट मुफ्ती साहब नूं भी मेरी गल सुन लो, मुफ्ती साहब नूं भी असीं पैसे पे कर रहे हैं, नजीर साहब नूं असीं कर रहे हैं, तुसीं कड़ी गल करदे हो, लो सुनो फिर।